PCOS एंड PCOD क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फॉर PCOS एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज फॉर PCOD. PCOS एक एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ग्लैंड से रिलेटेड जो सिक्रीशन करते हैं हॉर्मोन्स उससे रिलेटेड है. एंड PCOD इज अ डिजीज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ओके, PCOS एंड PCOD में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जैसे ये लाइफ स्टाइल से, डाइट से, आपके एक्टिविटी के लेवल से, आपके मेंटल स्टेटस से रिलेटेड है. PCOD थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है. एक हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके वो काम नहीं कर पाता है अपने एडिक्वेट क्वांटिटी में रहने के बावजूद भी, तो PCOD का प्रॉब्लम होता है. PCOS एक्चुअली ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जब होता है तो PCOS को करेक्ट करना मुश्किल होता है. PCOD पेशेंट में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ईजियर है और उसमें वो पेशेंट कंसीव कर जाते हैं, रिजल्ट होता है अच्छा. PCOD ज़्यादा कॉमन है, PCOS कम कॉमन होता है. PCOS का लॉन्ग टर्म सिक्विलाई भी खराब होता है. ये डायबिटीज मेलाइटिस करा सकता है, हाइपरटेंशन करा सकता है, ओबेसिटी करा सकता है, एंड लॉन्ग टर्म में एल्डरली में एंडोमेट्रियल कैंसर भी करा सकता है. PCOD में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं. और आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए.